नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, तो फाइनली आज जाकर मुझे मौका मिला है आप लोगों को ये बताने का कि किस तरीके से मैंने अपने हठा योगा टीचर ट्रेनिंग की फीस अरेंज की। ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा लोगों ने मुझे Instagram पर मैसेज किया है और कई लोगों ने YouTube पर भी, और उन सभी का एक ही सवाल रहता है कि अक्का, आपके पास देवी गुड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे तो आप टीचर ट्रेनिंग कैसे कर पाई। आप लोगों को पता होगा कि टीचर ट्रेनिंग का जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। मेरे समय में वो 6 लाख रुपए का था और इस साल वो 9 लाख का। कई लोगों ने मुझे तो ये भी कहा है कि टीचर ट्रेनिंग करने के लिए आपने किस बैंक में डाका डाला। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे लिए ये फीस चुकाना किस तरीके से पॉसिबल हुआ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि योगा टीचर बनने का जो सपना था वो मेरे बचपन का सपना था। सिर्फ 16-17 साल की उम्र में ही मैंने योगा करना शुरू किया था और उस वक्त ही मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ था कि मेरा जीवन जो था पूरी तरीके से बदल गया था। और मैं लोगों को जाकर कहती थी, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, कि तुम लोग भी योगा किया करो, योगा बहुत मैजिकल है, पर मेरी बात जो है वो कोई नहीं सुनता था। तो उस वक्त मैंने ठाना था कि मैं योगा टीचर बनूंगी, क्योंकि एक योगा टीचर के पास एक अथॉरिटी आ जाती है ना योग सिखाने की, और फिर उसकी बात को लोग सुनते हैं गौर से और नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे योगा टीचर बस इसलिए बनना था कि मेरी बात लोग सुने। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं, अच्छे से पढ़ाई करूं और जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाऊं और अपने जीवन को एक सेटल्ड तरीके से जीऊं। और ये मैंने किया भी, अपने मम्मी पापा का जो सपना है वो पूरा करने के लिए मैंने बहुत एफर्ट भी किए, पर मेरा जो मन है वो हमेशा योग में ही रहता था। मैं अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर देती थी पर मैं योगा करना कभी नहीं छोड़ती थी। मतलब एग्जाम्स का दिन भी होता था फिर भी मैं सुबह उठकर 2-3 घंटा मैं योग करके जाती थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना पागलपन था मुझे योग के लिए। और मैं पढ़ाई लिखाई, क्या मैं कोई भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती योगा के लिए। तो ये क्लैरिटी तो थी कि मुझे योगा टीचर बनना है, पर कैसे बनना है, कहाँ से बनना है, कौन मेरे गुरु बनेंगे, मुझे ये सब कोई आइडिया नहीं था। बस दिमाग में एक धुन हमेशा सवार रहता था कि मुझे योगा टीचर बनना है। और ये तब पॉसिबल हुआ जब सदगुरु मेरे जीवन में आए। मतलब मैंने उनको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर देखा था और देखते साथ मतलब मेरे अंदर का जो जीवन है ना वो इस तरीके से मतलब फड़फड़ाने लगा। मतलब मैंने देखते साथ सोच लिया था कि सिर्फ ये और सिर्फ ये ही मेरे गुरु हैं और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही किसी और से गुरु दीक्षा ले चुकी थी। और जैसे मैंने सदगुरु को देखा, मैंने अपने जो पुराने गुरु थे तुरंत उनको रिजेक्ट कर दिया। ये बोलना सही नहीं लगेगा, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर उसके बाद से मैंने जो मेरे पुराने गुरु थे उनके तरफ मैंने देखा तक नहीं। और आज भी मेरी मम्मी कहती है कि वो भी तुम्हारे गुरु है, तुम उनको भी मतलब पूजा करो, तुम प्रणाम करो, पर मेरा जो मतलब मन ही नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो भी है सब कुछ सद्गुरु है और मेरे कण कण में सद्गुरु है, उनके सिवा कोई है ही नहीं। तो बस उनको देखते साथ ना एक बहुत ज्यादा जो अट्रैक्शन होता ना, पुल, एकदम मैग्नेट की तरह वो मुझे अनुभव हुआ था। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी चीज आज से जो करूंगी और सिर्फ सदगुरु के सानिध्य में ही करूंगी, वरना कुछ नहीं करूंगी। तो धीरे धीरे मुझे पता चला ईशा हठा योगा टीचर ट्रेनिंग के बारे में। और जब मुझे ये पता चला तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि वाह, सदगुरु योगा टीचर भी बनाते हैं। और मैं उस वक्त दिल्ली में थी, पढ़ाई करती थी, और आप इमेजिन ही करेंगे 2015 में ही मैंने ये, एक तरीके से आप समझिए कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया इस चीज को। मतलब मैं हमेशा खुद को इमेजिन करती थी कि वो जो ग्रुप फोटो होता है ना, जो कल्मिनेशन हठा योगा टीचर ट्रेनिंग का जो कल्मिनेशन होता है, उस वक्त एक ग्रुप फोटो लिया जाता है जिसमें सारे पार्टिसिपेंट सदगुरु के साथ बैठे रहते हैं। 2015 में ही मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया था, पूरी तरीके से विजुअलाइज और इमेजिन कर लिया था कि एक ग्रुप फोटो है और मैं सदगुरु के साथ बैठी हूँ उनके पैर के पास, और ये जो ग्रुप फोटो है ना मेरी आंखों के सामने से हमेशा गुजर के जाता था। हमेशा रात को सपनों में
दिन में भी सपने देखती रहती थी, तो सिर्फ वही ग्रुप फोटो। और मैं अपनी दोस्तों को बोलती भी थी कि ये मेरा सपना है। कोई पूछता था ना कि तुम्हारा सपना क्या है जीवन का, तो मैं एक ना मतलब फोटो निकाल कर दिखाती थी इंटरनेट से, और मैं बोलती थी कि ये है मेरा सपना, वो जो ग्रुप फोटो होता था जिसमें पार्टिसिपेंट सदगुरु के साथ बैठते थे, और मैं कहती थी कि इसी जगह पे मैं बैठूंगी एक दिन। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज्यादा विलिंग थी टीचर ट्रेनिंग के लिए। सपने सच होते हैं ये तो मुझे अब विश्वास हो रहा है कि जब मेरा कल्मिनेशन था हठा योगा टीचर ट्रेनिंग का, तो मुझे सेम वही स्पॉट मिला बैठने के लिए ठीक सदगुरु के पैर के सामने। तो मेरा जो सपना था वो इस कदर पूरा हुआ कि उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और मेरे जो दोस्त थे वहां पर वो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें ये जगह कैसे मिली ठीक सदगुरु के पास, तुम तो बहुत लकी हो। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस सदगुरु के पीछे पीछे चली आ रही थी, और अचानक से किसी ने अनाउंस किया कि अब आप लोग जहां भी है वहां पर बैठ जाइए, और मैं बस वहां बैठ गई और देखा सदगुरु एकदम पास थे। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, और जब वो फोटोग्राफ मतलब वो फोटोग्राफ जो है ना वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उस फोटोग्राफ को मैंने कितने साल पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था 2015, और आज 2024 है, मतलब आप समझिए कि ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था उस फोटोग्राफ को। तो आप समझिए कि कितना पावरफुल चीज है ये विजुअलाइजेशन। और सदगुरु भी हम लोगों को एक मेडिटेशन करवाते हैं चित शक्ति फॉर सक्सेस, मुझे तो अब पता चला इस चीज के बारे में। तो आप सोचिए कि आप कुछ भी चीज को विजुअलाइज करके और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। मेरे साथ ये तो हूबहू हुआ है। तो दोस्तों, मेरे घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि मैं योगा टीचर बनूं। जब मैं पढ़ाई करती थी, एग्जाम्स लिखती थी और एग्जाम्स में पास नहीं हो पाती, तो हर बार मैं अपनी मम्मी को चाहे पापा को ये बात कहती कि मेरे पास बैकअप में सिर्फ एक ही प्लान है, मुझे योगा टीचर बनना है। तो मेरे घर वाले कहते थे कि योगा टीचर क्या बनोगे बेटा, क्या मिलेगा योगा टीचर बन के, ना इसमें कोई रेपुटेशन है, ना कोई इज्जत है, ना कोई पैसा है, वो क्या कहेंगे, कुछ और सोचो, तुम कुछ और कर लेना, ये कह के टाल देते थे। तो मुझे बिल्कुल क्लियर था कि ये लोग मुझे अपने जीवन काल में तो ये लोग मुझे कभी भी योगा टीचर बनने नहीं देंगे। जीवन का बड़ा ही सिगजैग प्लान बना रखा था। मैंने डिसाइड किया था कि ठीक है चलो पहले इनकी बात सुन लेते हैं, कोई एग्जाम्स क्लियर करके एक नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद कुछ साल नौकरी करके फिर मैं छोड़ दूंगी वॉलंटरी रिटायरमेंट, और फिर उसके बाद मैं योगा टीचर बन के योगा सिखाऊंगी और अपने लाइफ को हैप्पीली जीऊंगी। तो मैंने बड़ा ही जिगजैग रूट बना रखा था। हुआ ये कि जैसे सदगुरु मेरे जीवन में आए, तो ये जो जिगजैग वाला जो रूट था ना ये एकदम, तो एक साल जैसे तैसे करके फिर भी मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं होती थी अपने घर वालों को ये कहने के लिए कि मुझे योगा टीचर बनना है। और अगर गलती से कभी मैं कह भी देती थी तो मुझे रिस्पांस में यही मिलता था कि तुम अपने पैसे से करना ये सब, जो चीज तुम्हें करना है ये अपने पैसे से करना, हमारा काम है तुम्हें पढ़ा लिखा के तुम्हारी नौकरी लग जाए बस, और अच्छे से शादी ब्याह हो जाए, यही हमारा बस जो सपना है ये पूरा कर दो, बाकी तुम्हें जो करना है अपने पैसे से करना। तो दोस्तों, जब दूसरी बार मैंने देवी साधना किया, उस वक्त मैंने देवी को साफ साफ मैंने देवी को कह दिया कि माँ मुझे अब यहाँ से आप बाहर निकालिए, क्योंकि अब एनफ हो गया है। क्योंकि तब तक मैं उनको कह नहीं रही थी ना कि मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं खुद को फंसा कर रखी हुई थी और मैं हेल्प नहीं मांगती थी अपने गुरु से चाहे देवी से। तो देवी साधना मैं करती रहती थी और मेरे माइंड में ये चलते रहता था कि माँ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं क्या करूँ। और एक चीज बहुत मतलब आप लोग ताज्जुब करोगे ये सुनकर, एक साल के अंदर मेरा शून्य बीएसपी सम्यमा हठा योगा टीचर ट्रेनिंग सब कुछ हो गया, और मैं इस चीज का सारा क्रेडिट अपने गुरु को और देवी को देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, शांभवी महामुद्रा क्रिया में इनिशिएशन लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, और जब मैं अपनी सारी प्रैक्टिसेस रेगुलर कर रही थी सदगुरु के सानिध्य में, वो सारे हठा योगा की प्रैक्टिसेस और देवी साधना, तो मुझे जीवन को लेकर इतनी तो क्लैरिटी हो गई थी कि जो मेरा जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ साधना और योग में ही है, पढ़ाई लिखाई ये सब मेरे लिए नहीं बना है, और मैं ये नौकरी और ये एग्जाम्स निकालना, कॉम्पिटिशन में बैठना, मैं इन सब चीज के लिए नहीं बनी हूँ। पर मेरे भीतर वो हिम्मत नहीं हो पाती थी घर वालों को बोलने के लिए, क्योंकि मेरे घर वाले योगा का नाम सुनते ही वो कहते थे कि ये सबसे समाज में तुमको क्या इज्जत मिलेगा, तुम योगा टीचर बन जाओगी
तो किसी भी तरीके से तुम्हारी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो मैं बहुत उदास सी रहती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये पढ़ाई लिखाई में मेरा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी मैं मन को मार मार कर मैं पढ़ती रहती थी, एग्जाम्स देती रहती थी, लेकिन मुझे बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ क्लियर था मेरा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। और मैंने पहली बार जब देवी साधना किया, उस वक्त भी मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से देवी ने मुझे ये क्लैरिटी दी कि मेरा जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ योग के लिए ही बना है और ये पढ़ाई लिखाई ये मेरे लिए नहीं है। और देवी साधना के बाद मुझे ऐसा फील आता था कि मैं अपनी सारी किताब कॉपी फेंक दूं, मैं किसी को दान में दे दूं या कबाड़ी में बेच दूं, मतलब मेरी नजर के सामने से ये सब हटा दो। क्योंकि मैं उस वक्त इतने ब्लिसफुल स्टेट में चली गई थी ना, तो मुझे लगता था यही जीवन है, बस ये जॉयफुल रहना और ब्लिसफुल रहना। और कैसे जीवन चलेगा, कैसे मैं कमा के खाऊंगी और अपना जो जीवन है उसको कैसे निर्वाह करूंगी, ये सब टेंशन मेरे दिमाग में कभी भी नहीं रहता था। मुझे सिर्फ एक ही चीज रहता था कि मुझे योगा करना है और ये जो स्टेट है, ये जो ब्लिसफुलनेस वाला, इसको मुझे बना कर रखना है, क्योंकि उसी में मुझे आनंद मिलता था। जैसे ही मैंने देवी को ये बोलना शुरू किया कि माँ मुझे अब पढ़ाई लिखाई नहीं करना, मुझे यहाँ से आप बाहर निकालिए, मेरे जीवन को दिशा दीजिए और जो चीज़ मेरे लिए बनी है आप मुझे बस उसी दिशा में मुझे आप भेजिए, तो ये मैंने देवी को कहना शुरू किया देवी साधना के वक्त। मुझे अभी भी याद है वो जनवरी का महीना था और आप लोग विश्वास नहीं करोगी, उसके बाद से मैं जो भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरती थी वो एक एक करके रिजेक्ट होना शुरू हुआ। या तो मैं उसमें कुछ गड़बड़ी कर देती थी या मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आता था किसी वजह से, और लगातार 3 बार ऐसा हुआ और मैं बहुत हताश हो गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई और करियर ऑप्शन था ही नहीं। तो मैं बहुत रोती थी और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं घर वालों को बोल पाऊँ ये बात कि मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है या एडमिट कार्ड ही नहीं आया, क्योंकि पूरे साल की तैयारी रहती थी और फिर घर वाले कहते कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम ठीक से कुछ भी नहीं करती, तो मुझे बहुत डांट पड़ती। इस वजह से मैं अपने घर वालों को ये बात बोल ही नहीं पा रही थी। तो देवी के पास बैठ बैठ कर मैं एक तरफ तो ये भी कहती कि माँ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और मेरे जीवन को दिशा दीजिए, और दूसरी तरफ ये भी कह के रोती कि माँ ये क्या हो रहा है, मैं कोई भी फॉर्म भर रही हूँ वो सारा रिजेक्ट हो जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा करने को, घर में मैं क्या बोलूँगी। और आपको ये भी सुनकर बड़ा ताजुब होगा कि मैं एक दिन बैठकर देवी स्तुति कर रही थी और मेरे माइंड में हमेशा कंटिन्यूसली यही चलता रहता था। मैं माँ को हमेशा कहती थी कि माँ अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सारे फॉर्म्स मेरे जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं और ये साल तो मेरा बर्बाद हो गया, क्योंकि अब तो और कोई एग्जाम्स थे नहीं आने वाले। तो स्तुति करते करते मेरे मन के अंदर एक इतना जोर से, एक जैसे ना होता है कोई बोला, मैंने नहीं बोला था ये बात पर मुझे ऐसा लगा था कि देवी बोली, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग था ना, इतना स्ट्रांग वो जो आवाज मुझे भी अभी याद है। और वो ये था कि तू जा और जाकर हटा योगा टीचर ट्रेनिंग का जो फॉर्म है वो भर दे। तो हटा योगा टीचर ट्रेनिंग करना है ये तो क्लियर था ही, लेकिन मैंने अपना जो रूट था वो बहुत जिगजैग बना रखा था, और मतलब एक तरीके से समझिए कि मैं ये भूल ही गई थी कि मुझे हटा योगा टीचर ट्रेनिंग मैं अभी कर भी पाऊंगी, क्योंकि घर वाले तो एग्री होते नहीं थे, तो मैं कभी घर पे बोल नहीं पाती थी। तो आप समझिए कि उस समय मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं चलता था कि मुझे टीचर ट्रेनिंग करना है या जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। और अचानक से जब मेरे मन में ये जोर का ये जो आवाज़ आया कि तू जा और जाके हटा योगा टीचर ट्रेनिंग का फॉर्म डाल दे, मुझे उस वक्त मतलब 200% मतलब मैं क्लियर हो चुकी थी कि ये बात मुझे देवी बोली है, और मैं उसी वक्त रोना शुरू कर दी और मैं खूब रोई हूँ देवी के पास बैठकर। मतलब मैं स्तुति कर रही थी, आधी स्तुति को मैं वहीं छोड़कर मैं दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई और मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मुझे हटा योगा टीचर ट्रेनिंग करना है और इसी साल करना है। मेरी मम्मी ने पूछा क्यों, मैंने बोला कि अब आने वाले समय में कोई भी एग्जाम्स नहीं है, मेरे सारे फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए हैं, तो ये साल वैसे भी बर्बाद हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे को करने दीजिए। तो आप इमेजिन करिए, मेरे घर वाले कभी एग्री नहीं होते थे, मेरी मम्मी एक बार में एग्री हो गई, बोली ठीक है तुम कर लेना, पहले आंसू पोछो कर लेना। और मतलब मेरे खुशी का ना ठिकाना नहीं था कि इतनी इजीली कैसे वो एग्री हो गई जो चीज़ मैं इतने सालों से इन लोगों को समझाती आ रही थी, और एक पल एक सेकंड नहीं लगा उनको एग्री करने में। फिर मैंने मम्मी को बोला कि पापा को कौन समझाएगा,
तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी। मैंने बोला पापा तो कभी नहीं मानेंगे मम्मी, फिर कैसे होगा। तो मम्मी कह रही है कि ये जिम्मेवारी तुम मुझ पे छोड़ दो। मतलब आप सोचो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात देवी ने ही ये कमांड मतलब संभाल लिया है मेरी टीचर ट्रेनिंग करवाने का। और मतलब मैं नहीं बता सकती कि मैं वो जो दौर था ना, वो कैसे मैं गुजरी हूँ उससे, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो मैं रोती नहीं थी, क्योंकि एवरी मोमेंट मुझे ग्रेस नजर आता था। ऐसा लगता था कि हर दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटती थी कि मुझे लगता था देवी का ग्रेस है मुझ पर। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज जो था मेरे लाइफ में वो था कि मेरे पापा को कन्विंस करना। अब जब मेरी मम्मी मेरे पापा को जाकर ये बात कही कि इसे टीचर ट्रेनिंग के लिए जाना है इसी साल, तो मतलब ये भी चमत्कार से कम नहीं था कि मेरे पापा एक बार में एग्री हो गए। तो दोस्तों, मेरे पेरेंट्स तो एग्री हो चुके थे, बट मेरे भाई बहन जो थे वो थोड़ा सा मतलब इस चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट कर रहे थे कि ये क्या करने वाली है, अपना जीवन जो है वो बर्बाद करने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर धीरे धीरे वो लोग भी कन्विंस हो गए, मेरी मम्मी ने उन लोगों को भी कन्विंस कर लिया। तो दोस्तों, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो चीज मुझे इम्पॉसिबल लगती थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो चीज मेरे लिए पॉसिबल हुई थी मेरे गुरु और देवी के ग्रेस के वजह से। और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाई, और इतनी इजीली एक सेकंड के अंदर मेरे घर वाले एग्री हो गए। और ये सब कुछ देवी के ग्रेस के वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि देवी मेरी तुरंत सुन लेती है। और जब मैंने देवी साधना के वक्त उनको ये बात कहना शुरू किया कि देवी माँ मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे अब पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, और मेरे जीवन को दिशा दीजिए, जो चीज़ मेरे लिए बनी है आप मुझे उसी ओर भेजिए, तभी धीरे धीरे करके जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करती थी, मेरे फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते थे और एडमिट कार्ड नहीं आता था। तब मुझे बाद में पता चला कि ये जो सारा कुछ हो रहा था देवी की क्रेज के वजह से हो रहा था, और वो मुझे जिस ओर भेजना चाहती थी, मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ है कि आज भी मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों, माँ लिंग भैरवी देवी की कृपा को जीवन में कैसे प्राप्त करें, हर दम उनसे कैसे कनेक्टेड रहे, तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप लोग प्लीज उन्हें जाकर देखें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो कनेक्शन है देवी के साथ वो जरूर स्ट्रांग हुआ होगा। मैंने आप लोगों को जो भी बताया है वो मेरे बचपन का जो सपना था योगा टीचर बनने का, से लेकर घर वालों को मनाने तक का सफर, तो आगे के वीडियोस में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि जो हठा योगा टीचर ट्रेनिंग की फीस है, आप लोगों को पता है पहले 6 लाख थी और अभी 9 लाख हो गई है, तो कैसे करके अरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास तो इतने पैसे थे नहीं, और घर वाले कन्विंस तो हो गए थे मुझे जाने देने के लिए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से। तो अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगी कि देवी किस तरीके से मुझ पर कृपा की है और ये सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भैरवी देवी।